ज्ञान की मीरान रहस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुन्मीतमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटीज। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है दीदी। हाँ ओके, तो आज हम ब्रह्म स्तुति करेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था ब्रह्म विमोहन लीला। नो सम हरे कृष्णा। हिना आ रही है आवाज? हाँ जी माँ दीदी आ रही है। तो किस नहीं आ रही है? प्रभात प्रभु जी, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा दीदी आवाज आ रही है, शुरू करो आप। हाँ उनको नहीं आ रही है, मैसेज आ रहा है। ओके ओम ज्ञान किमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्म विमोहन लीला देखा था या सुना था, तो उसके आगे की कथा आज हम करेंगे। जब ब्रह्मा जी बिल्कुल एकदम ये हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि वो क्या करे, वो एकदम ग्लानी से भर जाते कि उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ ऐसा किया, उनके बछड़े और उनके सखाओं को चुरा लिया, तो ही मतलब वो बहुत ही गिल्टी फील करने लगते हैं। और उस गिल्ट फीलिंग के बाद वो भगवान जी की स्तुति करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला श्लोक है कैंटो 10 चैप्टर 14 एंड टेक्स्ट 1, श्री ब्रह्म उवाच नौमिद्यते ब्रह्मपुषे तदित अंबराय गुंजावतम सा परिपिच्छा लसन्मुखाय वन्यसजे कवलवेत्रा विशानवेनु लक्ष्मश्रीये मृदुपते पशुपा अंगजाय। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्तुति करते हैं और वो शुरुआत करते हैं कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए ही स्तुति की जानी चाहिए और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, उनका ये मतलब है। आपका दिव्य शरीर गहरा नीला रंग का है और आपके वस्त्र ऐसे हैं बिजली के समान चमक रहे हैं, जो आपके पीताम्बर वस्त्र हैं वो बिजली के समान चमक रहे हैं, क्योंकि भगवान जी रेशमी कपड़ा पहनते हैं तो वो एकदम अलग तरह का होता है, अलग उसकी चमक। आपके चेहरे के जो ब्यूटी है, सौंदर्य है, आपके गुंजा के इयररिंग और जो पीकॉक फेदर जो मोर वो पहनते हैं उससे और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और आपके गले में जो वन के फूल मिलते हैं, वनों में जो फूल मिलते हैं उसकी जो माला आपने पहन रखी है फूल और की वो भी बहुत आपके सौंदर्य को बढ़ा रही है, और आपके हाथ में एक लकुटी है गायों को। सॉरी दीदी थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही अब आ रही। हाँ तो आपके हाथों में जो लकुटी है गायों को हाथने के लिए, और आपके आपके कमर में एक दही चावल का एक कवर पकड़ा हुआ है। आप इस तरह उस चावल के जो वो जो एक मॉर्सल अपने हाथ में पकड़ के उठ गए थे बच्चों को ढूंढने के लिए, वो अब तक उनके हाथों में ऐसे के ऐसे है और वो उसी को पकड़े हुए हैं, तो उस कारण वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब विमोहित हो गए थे तो कृष्ण एक साल से कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण खुद ही बछड़ा बने थे, खुद ही ग्वाल बाल बने थे, वो कृष्ण खुद को ही चरा रहे थे, खुद के साथ ही खेल रहे थे, खुद के साथ ही भोजन कर रहे थे, वही लकुटी भी थे, वही वस्त्र भी थे हर बाल ग्वाल के, जो कुछ भी थे उनके वस्त्र उनके कपड़े उनकी लकुटी उनके बुगुल उनका बंसी सब कुछ कृष्ण थे, उनके खाने की पोटली भी कृष्ण थे,
जो जिसमें वो अपना भोजन बांध कर ले जाते, तो सब कुछ वापस आते हैं क्योंकि उनके द्वारपाल उनको रोक लेते हैं और वापस ब्रह्मलोक में एंट्री नहीं देते, क्योंकि वहां पर कृष्ण एक और लीला देखते थे, वो वहां पर ब्रह्मा बनकर बैठ गए थे और ब्रह्मा जी को अंदर आने को आ रहा था उनके सिक्योरिटी। तो जैसे ब्रह्मा वापस लौटते हैं समझ पाते हैं कि असली कौन है और वो उन्हें उन्होंने चुराया, जो ग्वाल बाल वो चुराए आकर ले गए वो असली थे या जो सामने अब है वो ही है। जब वो कंफ्यूज थे तब उन्हें सब चतुर्भुज विष्णु नजर आते हैं, ये कृष्ण की कृपा होती है जो उन्हें दर्शन देते हैं और फिर कृष्ण उन पर अनुकंपा करते हैं और अपने द्विभुजा रूप दिखाते हैं जो वो कृष्ण का रूप है असली, क्योंकि यही सबसे दुर्लभ स्वरूप है। तो वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और रोल होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वो रोल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके चार दीदी तेज अब आ रही है। हाँ आवाज। हाँ फिर वो स्तुति करना शुरू करते हैं कि हे भगवान आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही स्तुति और प्रशंसा चाहिए। फिर कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं नौमिद्या नौमिद्या ते ब्रह वपुसे से, यानी नौमिद्या यानी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर कोई जिनका शरीर श्यामल मेघ की तरह है ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, वो जो बिजली की तरह चमकने वाले पीले वस्त्र पहने हैं ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, सांवला वर्ण है मेघ की तरह उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? सांवले और पीले वस्त्र तो भगवान राम और विष्णु भी पहनते हैं, तो इसमें क्या भेद है? वो किस कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी विशेषता बता रहे हैं, बताते हैं दीदी तेज अब इससे तेज नहीं आ रही मेरी आवाज दीदी नहीं आ रही है, उसे उतार दो या तो बीच में चली जा रही है बार बार। अच्छा एक मिनट मैं वीडियो स्टॉप करके फिर बोल लेती हूँ। हाँ ऐसे कर लो कोई नहीं। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो सांवले वर्ण के हैं और मेघ की तरह उनको मेघ की तरह उनका रंग है, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान राम और भगवान विष्णु भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा जी आप भगवान की विशेषता बता रहे हैं, उनकी उनके बाहर उनका जो रूप है जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। बोलते हैं कि आपके कानों में गुंजा के इयररिंग्स है, गुंजा जो होता है वो फल होता है एक पेड़ का जो फॉरेस्ट में मिलता है जो वनों में मिलता है, तो ये फल ना तो जो विष्णु जी और जो राम जी हैं वो ऐसे नहीं ऐसे आभूषण नहीं पहनते हैं, ये तो सिर्फ कृष्ण ही पहन सकते हैं। मोर मयूर पंख का मुकुट पहना है जिसके कारण उनका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, नए नए छोटे छोटे मोर पंख जो मोर अपने पंख गिरा देते हैं बिना मतलब उससे जबरदस्ती नहीं, जो मोर अपने पंख अपने आप गिरा देते हैं ऐसे नए नए ताजे ताजे पंख हैं जिनका उन्होंने अच्छे से सजा कर पहना हुआ है, पहले छोटे छोटे फिर एक बड़ा सा मोर का पंख इस तरह उन्होंने सजा कर पहना है। तो ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। फिर आता है लसन मुखाया, यानी बहुत सुंदर मुख है आपका भगवान, बारम्बार प्रणाम करते हैं फिर ब्रह्मा जी। फिर वन में खिले हुए जो पुष्पों की और पत्तों की माला पहने हैं आप, अनेक मालाएं, एक सिर्फ एक माला नहीं है क्योंकि भगवान जी के अनेक अनेक सखाएं अनगिनत सखाएं हैं,
तो सब उनको सजाना चाहते हैं। तो इस तरह हर बाल बाल ने उनके लिए एक सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के पुष्पों की माला सजाई है। वो पुष्प जो वनों में मिलते हैं, ऐसे पुष्प और पत्तों की माला पहने हुए हैं। भगवान एक नहीं पता नहीं कितने माला पहने हैं अपने गले में। बाएं हाथ में कवल लिए है। कवल का मतलब होता है मॉर्सल, एक निवाला जो उनके हाथ में था दही और चावल का, वो बाएं हाथ में वो वैसे के वैसे पकड़े हुए जैसे अभी खाने वाले हैं, लेकिन उन्हें खाने की फुर्सत नहीं है बैठकर खाने की। उसी तरह दही भात का चावल लिए ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण इसी कवल को लिए और भी सुंदर लग रहे थे। कवल यानी संस्कृत में एक कवल, हम जो एक निवाला खाना है उसको बोलते हैं कवल। तो भगवान की उम्र बस 5 साल की है, वो एक छोटे से बालक है। तो भगवान उसी छोटे छोटे चरण बहुत सुंदर लग रहे हैं। अतिशय को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपालन करने वाले महाराज के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण खुश होते हैं जब उन्हें हम नंद महाराज के पुत्र बोलते हैं, कहते हैं। कृष्ण अपने भक्तों के नाम के साथ जोड़ने से बहुत खुश होते हैं। नंद नंदन बोलते हैं, नंद तनुज, यशोदा नंदन, गोपीनाथ, गोपाल, गोपाल माने गायों का पालन करने वाला। तो कृष्ण अपने भक्तों के नाम के साथ जब जोड़कर हम उनका नाम पुकारते हैं तब वो बहुत खुश होते हैं। कृष्ण सिंपल पशुपालन भगवान का जो स्वरूप है उसी इसी रूप का हमें ध्यान करना चाहिए। यही विशेषता है कृष्ण की, उनकी सुंदरता की, कि हमारे स्मरण में हमेशा बने रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वही कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम वजामि। इसके बाद और कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही स्तुति होनी चाहिए। इसलिए भागवतम कहता है बार बार कि भागवतम में खुद ही लिखा हुआ है कि भागवतम की कथा को बार बार सुनना चाहिए, जिससे कि इन कथाओं के माध्यम से हम भी इन लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक नंबर 3। ज्ञाने प्रयासम उदापस्या नमन्ते इवा जीवन्ति सन्मुखारितं भवदियावार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनु वान मनोभिर ये प्रयासो अजीता जीतो अपि असि तैस्त्री लोकेयम्। जो अपने सोशल पोजिशन में रहते हुए भी भगवान की इन कथाओं का को मात्र श्रवण करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, सुनने से बस हम भगवान को जीत सकते हैं। मतलब हमें हम जहाँ हैं जैसे हैं उसी पोजीशन में रहकर, हमें कोई सन्यासी वन्यासी नहीं बनना है, कुछ खास अपने आप को नहीं चेंज करना है। जैसे हम हैं बस उसी पोजीशन में रह के हमें भगवान की इन कथाओं का श्रवण करना है। बस इस श्रवण करने से ही भगवान को हम जीत सकते हैं। भगवान को समझने की कोशिश बेकार है। अपना मन कृष्ण में और उनकी कथाओं में लगाने मात्र से ही हम कृष्ण को जीत सकते हैं। उन्हें मेंटल स्पेकुलेशन से समझने की कोशिश करना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उस लेवल पे है ही नहीं जहाँ पे भगवान को समझ सके। हमारा तो साइज ही बस 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ द हेयर है। मतलब हमारी क्या औकात है कि हम कृष्ण को समझ सके। इसलिए हमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कृष्ण को समझने के लिए। बस उनकी कथाओं का श्रवण मात्र से ही हम भगवान जी को जीत सकते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि दूसरे श्लोक में आपका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है।
जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि हम आपका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भक्त जब कथा सुने तो ये सोचना चाहिए कि ये कथा ही सबसे बड़ी पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा धन है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान उस जीवात्मा के हृदय में बंदी हो जाते हैं। मतलब अगर हमारे मन में बस ये इच्छा है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, भागवतम की कथा सुननी है, बस इतना हम सोच लें, ऐसा सोचने से कृष्ण को इतना अच्छा लगता है कि वो हमारे हृदय में बंदी हो जाते हैं, वो फिर हमें नहीं छोड़कर जाते हैं। कथा सुन लेने की इच्छा पर ये होता है, और हम जब कथा को सुन लेंगे तो भगवान तो कभी भूल कर भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। शुद्ध भक्ति है इसमें कृष्ण से प्रेम केवल प्रेम के लिए करना चाहिए। निष्कपट धर्म है श्रीमद् भागवतम में। इस ग्रंथ में वास्तव में जानने लायक वस्तु श्री कृष्ण को का वर्णन है, जिससे तीन तरह के ताप नष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इनका अंत होता है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जिससे इस तीन तरह के तापों का अंत हो। तो महामुनि कहते, दैट इज भगवान नारायण, महामुनि भगवान नारायण को कहते हैं। भगवान नारायण ही इसके रचयिता है। एक्चुअली में जो सोर्स है श्रीमद् भागवतम का वो भगवान नारायण से आता है और उन्हें महामुनि कहा गया है। सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवतम का श्लोक का जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को दिया, यानी टेलीपैथी से। भगवान नारायण जब भी ब्रह्मा जी से बात करते हैं तो वो टेलीपैथी होता है, उनके हृदय में उनको ज्ञान हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भागवतम का ज्ञान दिया, और फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया, और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया श्रीमद् भागवतम, जिससे सुखदेव गोस्वामी का समाधि टूट गया और वो कृष्ण में ही खो गए। उससे पहले सुखदेव गोस्वामी समाधि में थे, वो निराकार ब्रह्म को मानते थे, लेकिन जब उन्होंने भागवतम सुना तो वो बिल्कुल कृष्ण के दीवाने हो गए, कृष्ण की लीलाओं में खो गए, उनके प्रेमी हो गए। जिसने बहुत काल तक सिमरन और कीर्तन किया है उसी के हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा होती है। जब कोई बहुत जन्म लग जाते हैं जिसने बहुत कीर्तन किया है, बहुत सिमरन किया है भगवान का, उसी के मन में कभी ना कभी ये इच्छा आएगी कि हाँ मुझे श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इसलिए ऐसा जैसे ही ये पल आता है कि जब वो इंसान सोचता है कि हाँ मुझे भागवतम की कथा सुननी चाहिए, तब भगवान अपने आप उसी पल उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। भगवान जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे भगवान को हम अपने पास रख सकते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवतम बलवान ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा मात्र से हम भगवान को के हृदय में, भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। जो लोग ज्ञान पाने के लिए प्रयास नहीं करते, साधु संन्यासी बहुत काल तक वेदांत का चिंतन करते हैं, तपस्या करते हैं, दूर एकांत में रहना, एक ये है ज्ञान का प्रयास। लेकिन जो सिर्फ भगवान की कथा सुनते हैं मन शरीर से भाव को रखकर, ये प्रणाम परम सत्य कथा है। ऐसे भक्तों को, जो आपके भक्तों की वार्ता को सुनते हैं, जो आपके भक्तों की वार्ता को सुनते हैं, जिस भी आश्रम में है उसी में स्थित रहकर भगवान की लीला सुनना चाहिए। ऐसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। यानी प्रयास करना होता है ज्ञान पाने का प्रयास, यानी जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ज्ञान पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को ऐसे लोग इतने नहीं अच्छे लगते। भगवान को जो लोग अच्छे लगते हैं वो जो उनकी लीला और कथा का श्रवण करना चाहते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप संन्यास ले लो, आप सब कुछ घर परिवार छोड़ दो या कुछ अलग से करो मेरे लिए। भगवान बोलते हैं आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही मेरा ध्यान करो, मेरी कथा सुनो, मेरी लीला सुनो। ऐसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। हमें भागवतम की कथा एंग्जाइटी फ्री होकर सुनना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर कथा सुनना चाहिए। कथा सुनते वक्त दूसरे चीजों का चिंतन नहीं करना चाहिए। भक्ति छोड़कर जो दूसरे रास्ते पर चल रहा है, जैसे तीर्थ यात्रा करना, हवन यज्ञ करना,
वो व्यर्थ परिश्रम करते हैं, जैसे चावल के धान को खाली उन्हें पीटना, यानी खाली जिसमें से चावल निकल चुके हैं ऐसे धान को पीटने के समान है, इसको बोलते हैं व्यर्थ परिश्रम। तीर्थ यात्रा करना, हवन करना, यज्ञ करना, ये सब इतना जरूरी नहीं है, बस कथा सुनना ज्यादा जरूरी है। भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान का नाम संतों के मुखारित करती है, यानी ऐसे स्थान पर रहकर संतों के से सुनना चाहिए, मुखारित यानी बोलते जाना। जो संत होते हैं वो नॉर्मली बहुत चुप होते हैं, वे होते हैं वो नहीं बोलो जल्दी किसी से चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो बेकार के प्रजल्प में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें हम कथा के लिए आमंत्रित करते हैं या कृष्ण कथा के लिए बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं, तब संत रुकते नहीं, वो मुखरित हो जाते हैं, वो बहुत बोलते हैं और वो चुप नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलने से इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता। कितनी सिंपल है भक्ति और सभी इसके अधिकारी हैं, और सब समय और सब स्थान में भक्ति हो सकती है। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कीर्तन श्रवण स्मरण करना चाहिए, बस इतना ही हमें करना है जिससे भगवान हमारे हृदय में कैद हो जाए। तस्य अनुकंपम सुसमीक्षमान भुंजनाना एवात्मा कृतम दीपाकम ऋग्वा वपुर्भिर्विदाधा नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सोदाय भाग। तो जो टेक्स्ट 7 था उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके निराकार रूप को समझना फिर भी आसान है, लेकिन आपके इस जगत के हित के लिए आप जो आते हैं, आपके इस रूप को समझना बहुत ही कठिन है। इसका मतलब होता है भगवान कृष्ण जो कृष्ण के रूप में आते हैं वो सबसे ज्यादा रहस्यमय रूप है, उसको समझना बहुत कठिन है। अगर भगवान का जो हम निराकार रूप जो मायावादी सोच है वो लोग तो फिर भी उसको समझना बहुत आसान है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण के रूप से, जो भक्ति नहीं करते वो आपकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। क्यों लोग भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण के रूप से? क्योंकि कृष्ण बिल्कुल आम बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं, वो कुछ भी कोई ये सोच ही नहीं सकता कि वो भगवान होकर ऐसी लीला रहे, मतलब लोग इससे भ्रमित जाते हैं। भगवान ने प्रेम से गोपियों गायों को चुरा कर खूब दूध पिया है उन्होंने अपने इस लीला में, तो सबको ये भ्रम होता है कि भगवान दूध के भूखे हैं, दही के भूखे हैं, माखन के भूखे हैं? अगर भगवान होते तो ये सब चुरा कर क्यों खाते, क्यों पीते? तो ऐसे कुछ लोग जो डाउट करते हैं वो शंका में आ जाते हैं। सिर्फ भक्ति मतलब अभक्ति नहीं डाउट करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया कि भगवान ऐसे कैसे झूठा खा रहे हैं बाल वालों की। तो इवन भक्तों को भी ये हो जाता है, डाउट हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो वो यही सोचते हैं कि आप भगवान इतने दूध के भूखे हैं और फिर भी तृप्ति नहीं, और पाना और पीना चाहते हैं, और पीना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं भगवान? बहुत धन्य है ब्रज गोपियां और गौएं, भगवान के दूध पीने की लीला का रहस्य ये संसार नहीं समझ पाते हैं। भगवान दूध के रूप में प्रेम का पान कर रहे हैं। जब भगवान को बुरी नजरों से बचाने के लिए यत्न करते हैं जगत के लोग सोचते हैं कि क्या भगवान को भी नजर लगती है, लेकिन जो ब्रजवासी है ना उनको बड़ी चिंता होती है कि हमारे लाला को किसी की नजर ना लग जाए, तो वो सारे टोना टोटका करते हैं जिससे भगवान को किसी की नजर ना लगे। लेकिन जो भगवान जी हैं वो बड़ा अपने आप को देखते हैं ना कि ये हमारे भक्त मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे सुरक्षित करने के लिए इतने सारे यत्न कर रहे हैं, तो भगवान इससे खुश होते हैं। भगवान को बस यही प्रेम चाहिए, वो इन भोले वाले गोपियों का प्रेम चाहते हैं, और वो इतना भोलापन हमारे के अंदर नहीं है, वो बस भगवान को भगवान समझ कर नहीं कर रहे हैं ये सब, वो एक सुंदर बस भगवान को एक बालक समझते हैं जिससे वो एकदम मोहित है। भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, विपरीत परिस्थिति में भी कृपा देखता है। एक ये तो हमने कुंती महारानी की शिक्षा में भी देखा था कि भक्त विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को देखता है। भगवान भक्त किसी भी दुख को अपना प्रारब्ध समझता है, अपना कर्म फल मानकर कृपा देखता है। भगवान कृपा से बने हैं, केवल कृपा है भगवान जी पूरे के पूरे, इसलिए अकृपा तो वो कर ही नहीं सकते, जो करेंगे वो कृपा ही करेंगे, लेकिन इस कृपा का अनुभव बस भक्त को ही होगा, अभक्त को कभी नहीं होगा। ऐसा भक्त भगवान के ऐश्वर्य में अपना हक रखता है,
जो भक्त भगवान की कृपा हर चीज में देखते हैं और एक्चुअली में ऐसे भक्त भगवान को रियलिटी में समझते हैं, क्योंकि भगवान तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो कभी अकृपा कर ही नहीं सकते, वो जब भी करेंगे तो कृपा करेंगे। इसलिए जब भक्त ऐसा सोचता है और जब कोई सिचुएशन उसके अनुकूल नहीं होती तब भी वो ये सोचता है कि नहीं ये तो मेरे बुरे कर्मों का फल है, मेरा प्रारब्ध है, क्योंकि कृष्ण तो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। ऐसा भक्त भगवान के ऐश्वर्य में अपना अधिकार रखता है, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे पुत्र अपने पिता के प्रॉपर्टी पे अपना हक रखता है, वैसे भगवान ऐसे जो प्योर भक्त होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य में अपना हक रखते हैं। इसी को कहते हैं दार भाग। भगवान के पास क्या है, बहुत सारा आनंद है, ज्ञान है, सुख है, अनंत है, सब कुछ भगवान का धाम अनंत है। भगवान के गुणों का अधिकारी बन जाता है ऐसा भक्त, जैसे पिता की धन संपत्ति पर उनके बच्चों का दाय भाग होता है, वैसे भगवान के इन गुणों पर उसके भक्तों का दाय भाग होता है। भगवान का स्वभाव बस उनका है, उनका जैसा स्वभाव और किसी के जैसा नहीं है, भगवान बस अपने जैसे हैं, मतलब उनका कोई तुलना है ही नहीं सकती। वृंदावन धाम भगवान को खोजने के लिए नहीं है, जैसे लोग भगवान को ढूंढने निकल जाते हैं ना हर किसी धाम में, वैसे वृंदावन धाम नहीं है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए बना है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में तो भगवान साक्षात है, बाकी सब जगह हम भगवान को ढूंढते हैं, बाकी जितने भी धाम है वहां जाकर हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में जगह जगह में भगवान है, वो अपना घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। वृंदावन तो भगवान जी का घर है, वो उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। किसी में भी कोई गुण हो, धन दया सौंदर्य है, तो उसके कारण कृष्ण होए, कृष्ण के कारण ही वो गुण उस व्यक्ति के अंदर है। इस दुनिया के जो दुर्गुण के कारण वो भगवान नहीं है, सारे सद्गुणों के कारण ही केवल कृष्ण है, लेकिन जो भी चीज बुरा है उसके कारण कृष्ण नहीं है। यदि सभी देवता सारे गुरुजन माता पिता भी कृपा कर दें तब भी भगवान की कृपा से तुलना नहीं हो सकती। सारी दुनिया भी हम पर कृपा कर दे, उसको एक पलरे में हम रख दें, सारे देवी देवता की कृपा को भी एक पलरे में रख दें और भगवान की कृपा को एक साइड रखेंगे तो भगवान का पलरा ही भारी होगा। भगवान की कृपा के आगे किसी भी टोटल कृपा भी रख दो तो वो कोई वैल्यू नहीं है, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कृष्ण। इस दुनिया के लोग थोड़े समय पालने के बाद बोलेंगे कि बस अब थक गया मरो सब, मैं नहीं पाल सकता, और कृष्ण है कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पाल रहे हैं और फिर भी कृपा कर रहे हैं, फिर भी दया करते हैं। वो नहीं ये सोचता है कि चलो ये लोग कैसे लोग हैं, मुझे पूछते नहीं, मैं क्यों इनको पालू, मैं इनको छोड़ दूं, इनको मरने दूं। कृष्ण कभी ऐसा नहीं करते, वो तो इंतजार करते रहते हैं कब ये मुझे याद करेगा, कब मैं इसको अपने पास बुला लूं। भगवान की महिमा गान करना बहुत कठिन है, फिर भी प्योर डिवोटीज ने आपकी महिमा गाई है, तो ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान में आपकी महिमा का गान नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी प्योर डिवोटीज हुए हैं उन सब ने भगवान की महिमा का गान करने की कोशिश जरूर की है। जैसे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, शिव जी ने भी किया है, प्रहलाद महाराज ने भी किया है, हम क्या कर सकते हैं, हम इनका अनुवाद करते हैं, जो प्रार्थना इन्होंने की है हम उस प्रार्थना को रिपीट करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, हमें कुछ ऐड नहीं करना है, हमें कुछ माइनस नहीं करना है, जो प्रार्थना की गई है बस उन प्रार्थनाओं को उसी तरह उसी रूप में भगवान को अर्पित करना है। ये जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी का जो भागवतम है, प्रार्थनाएं हैं कितनी सारी भागवतम में, शिव जी की कितनी प्रार्थनाएं, तो ये सब हमें बस उनको बोलना है, उनको याद कर बस हम वो भी बोल दे कृष्ण को, तो ये काफी है, जिसे कृष्ण हमें अपना मान लेते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ये सब भगवान बोल रहे हैं, इसलिए गीता में लिखा है कि श्री भगवान उवाच। क्यों भगवान उवाच क्यों लिखा है, कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कृष्ण लिखते तो सब कहते हैं कि ये कृष्ण नाम का कोई इंसान बोल रहा है, इसलिए पहले तो ये बोलते हैं कि कृष्ण तुम ही भगवान हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और फिर बोलते हैं भगवान उवाच। तो ये सब सोच समझ कर लिखा गया है ताकि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। भगवान प्रवीण प्रवक्ता है इसलिए प्रसन्न नहीं होते, बट भगवान जी जो है, जब कोई कुछ लोग बहुत अच्छा बोलना जानते हैं
तो भगवान ऐसे लोगों से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सिंप्लिसिटी से प्रसन्न होते हैं। वो सिर्फ आपके दिल से निकले हुए शब्दों को अपना मानते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कितने बोलने में एक्सपर्ट हो, आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, आपका भाषा में ज्ञान में बहुत पकड़ है। ये सब कृष्ण नहीं देखते, कृष्ण हमारे हमारी भावनाओं को देखते हैं। वो नहीं चाहते कि हम बहुत एक्सपर्टली बात करें, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ हमारा जो हर शब्द है उनके लिए वो दिल से निकल रहा है। भगवान के गुणों को गाना चाहिए और बड़े लोगों से सुनकर उसका अनुकथन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन से हृदय शुद्ध होता है। हम जब भी भगवान जी की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। भाषा कोई भी हो, हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इससे भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। भले ही उनके गुणों की व्याख्या संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि हम भगवान के गुणों की व्याख्या कर सके, फिर भी उनके गुणों को गाना चाहिए। SB 10.14.31 अहो ति धन्या व्रजा गो रमन्या सन्या मृतम पितम अतीवा ते मुरा यासम विभो वत सतारा आत्मजा आत्मना यत तृप्ताय अद्यापि न चलम आद्वरा। हे सर्वशक्तिमान भगवान, कितने भाग्यशाली हैं वृंदावन की गाय और महिलाएं जिनके स्तनों के दूध आपने परम सुख से पिया है, उनके बछड़ों और बच्चों का रूप लेकर अनादि काल से लेकर आज तक जितने भी वैदिक यज्ञ किए गए हैं उनसे आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिली है। नेक्स्ट वर्स इज अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजो कसा या मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। दो बारी कहा गया है अहो भाग्यम क्योंकि ब्रजवासियों की भाग्य की कोई सीमा नहीं है। इतना भाग्यवान है ब्रजवासी कि हम उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते कि उनका कैसा कैसा भाग्य है, जिनके हितैषी है पूर्ण ब्रह्म कृष्ण। नंद गोप के व्रज में रहने वाला हर जीव भाग्यशाली है, वृक्ष पशु पक्षी सबके मित्र हैं, हितैषी हैं कृष्ण। बकासुर अगासुर कालियानाग सबसे रक्षा किया है कृष्ण ने ब्रजवासियों का, सब समय वो उनके मित्र हैं, गोपियों का भाग्य है, क्योंकि गायों का भाग्य है, गोपियों का भाग्य क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब दूध पिया है, खूब दूध पिया है इनका और डायरेक्टली पिया, जैसे हम किसी को ग्लास में नहीं लिया, उन्होंने उनका स्तन पान किया है। तो इस तरह भगवान ने इनको ऐसा भाग्य मिला है जो नॉर्मली किसी कोई सोच भी नहीं सकता है। इनके संबंध से 11 देवता भी धन्य हैं। हर इंडिया में देवता निवास होता है, तो ये जो 11 देवता हैं वो इन ब्रजवासियों के कारण बहुत सुखी है, क्योंकि ये जो 11 देवता हैं जिनके हेड है लॉर्ड शिवा, हमारे जो 11 इंद्रियां हैं जिनसे हम सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो हर इंद्रिय है ना, हर उस इंद्रिय के ऊपर एक देवता का राज होता है। लेकिन एक्चुअली में भगवान के जो परिकर हैं, जो ये ब्रजवासी हैं, वो शुद्ध होते हैं, तो उनकी इंद्रियों पर देवता का वास नहीं होता है। लेकिन फिर भी देवताओं को ऐसा लग रहा है, उनको ये पता नहीं है, देवताओं को ये सत्य नहीं पता है। तो उनको उनकी ये भावना है कि उनका निवास है इन ब्रजवासियों की इंद्रियों पर भी। तो जैसे आंखों पर सूर्य का निवास होता है, तो जब ब्रजवासी कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करते हैं तो सूर्य को लगता है कि ये उनका भी सौभाग्य है कि वो उस आंखों पर विराजमान है। तो चंद्रमा का जो इंद्रिय है वो है मन, ब्रह्मा जी बुद्धि पर है, अहंकार पर शिव जी है। तो अहंकार क्या होता है कि हमारे अंदर कौन सा अहंकार होना चाहिए, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं। तो ये होता है असली अहंकार। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, या मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, इसलिए झूठा अहंकार है। असली अहंकार क्या है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। हम सोच सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, ये जो देवता लोग हैं जो हमारे इंद्रियों पर, इसके कारण हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इसलिए इन इंद्रियों का इस्तेमाल
भगवान के लिए करें, जैसे हमें देखना है तो भगवान के डेटीज को देखें, बोलना है तो भजन गाएं, सुनना है तो भगवान का भागवतम सुने, गीता सुने, ये सब ये सोचना है तो कृष्ण के बारे में सोचें, कृष्ण मेरे हैं, ये ट्रू अहंकार है, ये शुद्ध भावना होती है, तो देवी देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम अगर भगवान के अलावा कोई और विचार और व्यवहार करते हैं तब देवताओं का अपमान होता है, तब वो इंद्रियों का त्याग कर देंगे और फिर हमारी इंद्रियों पर शैतान बैठ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों पे जो देवता बैठते हैं वो भी भगवान की प्रशंसा, उनकी गुण गान रूप सौंदर्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी हम कृष्ण भगवान को छोड़कर किसी और टॉपिक या संसारिक टॉपिक पे चर्चा करते हैं तो ऐसे लोगों के इंद्रियों पे जो देवताओं का वास होता है वो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे उनका अपमान होता है कि हम अपने इंद्रियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हमारी इंद्रियों पर से देवता हट जाते हैं तो हम उस पर शैतानों का राज हो जाता है। एक एक देवता बस एक ही इंद्रियों पर रहकर धन हो रहे हैं, जैसे अगर कोई आंख पे है सूर्य देवता तो वो बस सौंदर्य देख रहे हैं, वो सुन नहीं सकते भगवान के गुणगान को, लेकिन फिर भी वो उस बात से प्रसन्न है। अगर मन मन सोच रहा है कृष्ण के बारे में तो मन पर चंद्रमा का राज है, तो चंद्रमा इसी बात से खुश है कि ये हर किसी का मन कृष्ण के बारे में सोच रहा है, तो एक एक इंद्रियों से ही संतुष्ट हो रहे हैं ये देवता। बट ब्रजवासी जो है वो तो सारी इंद्रियों से कृष्ण का रस पी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, उनके पास चल रहे हैं, उन अपने हाथों से पैरों से सबसे वो बस कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का वर्णन चरणों से किया जाता है, क्यों? चरण कमल पद, क्योंकि बड़ों का जो वर्णन होता है वो चरणों से करना चाहिए। इंद्रियों से मादक मधु पीना साधु को बोलते हैं आसन रखिए, जैसे जब कोई साधु आता है तो हम उसको बोलते हैं आसन रखिए, लेकिन जब भगवान होते हैं तो हम उनके चरण कमल का जिक्र करते हैं। तो जो कृष्ण है वो सबसे बड़े हैं, इसलिए हम हमेशा उनके चरण कमलों का जिक्र करते हैं। और अगर हम किसी साधु को बुलाएं तो वो हम ये बोलते हैं कि आप आसन रखिए, तो ये अंतर होता है। सिर्फ भगवान के चरण कमल की हम चर्चा करते हैं और हमेशा उनका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आखिर आप क्या रिवॉर्ड देंगे, इन ब्रजवासियों का ऋण चुकाएंगे, मतलब आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे भगवान आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इन ब्रजवासियों का ऋण चुका पाएंगे, आपने अपने आप को तो असुरों को भी दे दिया तो खुद को भी नहीं दे सकते अब आप, इसलिए मेरा मन मोहित हो रहा है, आप सदा के लिए ऋणी हो गए हैं इन ब्रजवासियों का। पूतना को भी तो आपने अपने आप को दे दिया क्योंकि आपने उनको अपनी माता स्वीकार कर लिया, तो आप कितने बड़े दाता हैं, आपसे बड़ा कोई दाता नहीं, फिर भी आप इन ब्रजवासियों के सदा के लिए ऋणी हो गए हैं। तो ये बोलते हैं ब्रह्मा जी, तावत रागा दाये सेना तावत करा गृहम गृहम तावन मोहो आंगरी निकालो यावत कृष्णा नाते जन। तो ये जो ब्रजवासी गृहस्थी हैं, जो गायों को चरा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर भी वो इतने इंटेंसली आपकी सेवा में एंगेज हैं, इसलिए वो सब कार्य में लिप्त होकर भी मोह में नहीं है, क्योंकि जो मोह हम जो संसारिक लोग हैं वो एक्चुअली में हम जेल में है, जो बंधन जो संसारिक बंधन होता है वो जेल के समान होता है। जैसे जब हम हर ये चीज जो ये ब्रजवासी कर रहे हैं अगर हम उसको कृष्ण को सेंटर में रखे बिना करेंगे तो हम इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बन जाएंगे, मतलब हमारे हर क्रियाकलाप इस भौतिक जगत में बंधन का कारण हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्रजवासी है जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका वो सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते उनकी भौतिक आसक्ति और इच्छाएं चोर बनी रहती है, उनके घर जेल के समान है और उनका परिवार के सदस्यों के लिए स्नेह भावनाएं पैरों की बेड़ियों बनी रहती है। देह किसका है, अंतिम जो कंज्यूम करता है देह उसका होता है, तो
जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो हमारा हर रिश्ता बस देहिक होता है, देहत से होता है। तो असल में ये देह किसका है? ना अग्नि, असल में देह उसका होता है जो लास्ट में जिसके पास वो पहुंचता है। यानी हम जब मर जाएंगे और ये देह में से आत्मा निकल जाएगी, तब ये देह किसका होगा? तब ये देह अग्नि का होगा, क्योंकि अग्नि से जलाएगा, या फिर कुत्ते या जैकॉल्स या वल्चर ये इसको खा लेंगे। और फिर या तो फिर अगर हम किसी को बरी कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया उसको खा जाएगा और फिर वो वेस्ट में निकल जाएगा। तो ये देह किसका है? बस इनका है। तो ये देह तो आत्मा का भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी भी देह को छोड़ना ही नहीं चाहती है। जरा सा कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इस शरीर को बचा सके। तो लेकिन फिर भी ये जो हमारा शरीर है ये आत्मा का भी नहीं है। जब तक रहता है हमारी आत्मा को बहुत कष्ट, बहुत दुख देता है, कोई ना कोई दुख का कारण बनता रहता है। जैसे मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, लास्ट में क्या बोलते हैं, मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, ये है हमारी असली में घोर अज्ञानता। असल में हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनका दास हूँ, उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। दिस इज द रियल आइडेंटिटी। तो भगवान का कीर्तन करने में सुखदेव गोस्वामी जी श्रेष्ठ हैं, और भगवान का स्मरण में प्रहलाद महाराज जी श्रेष्ठ हैं, और भगवान के प्रणाम करने में अक्रूर जी श्रेष्ठ हैं। तो ये हमें ये करना चाहिए, कीर्तन, स्मरण और प्रणाम करना चाहिए भगवान का, जिससे कि हम ये अपनी रियल आइडेंटिटी को खोज सके कि मैं कृष्ण का हूँ। ये हम कब, जब हमारा मन कृष्ण की कथाओं को सुन सुनकर क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इस तरह हम क्यों बोलते हैं कि अक्रूर जी श्रेष्ठ हैं? जैसे अक्रूर जी ब्रज में पहुंचते हैं और वो जमीन धरती पर कृष्ण के चरण कमलों के निशान देखते हैं, वो अपना जो सोने का रथ है जो उन्हें कंस ने दिया था उससे उतर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और जमीन पर दंडवत प्रणाम करते करते ब्रज में कृष्ण तक पहुंचते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के प्रणाम में अक्रूर जी श्रेष्ठ हैं, और जो भगवान का नाम स्मरण है उसमें प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ हैं, और जो भगवान का कीर्तन है उसमें सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान का जो ये श्रीमद भागवतम है इसकी कथा सुना रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ हैं। भगवान की भक्ति स्वरूप को ठीक रखने के लिए ही हमें भगवान का जो भक्ति है उसका स्वरूप को ठीक रखना जरूरी है। जीवेरा स्वरूप कृष्ण के नित्य दास। अहंकार ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, इसलिए कृष्ण का काम करना ही मेरा धर्म है, मेरे जीवन का, इट इज माय सर्विस टू सर्व कृष्ण। इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग में कहते हैं कि जो घर में रहे या वन में बस हरी हरी पुकारे, ऐसे लोगों का संग मुझे मिले, जब ऐसा हो तो हम सही रास्ते पर हैं। हमें हर वक्त कृष्ण का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम त्वाम वेतसी सर्वाद्विक त्वाम इव जगताम नाथो जगत एते त्वाम अर्पितम। हे कृष्ण, आपसे विदा लेने की विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। वास्तव में आप सभी ब्रह्मांडों के भगवान हैं, और फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड प्रदान करता हूँ। तो आखिर में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि भगवान, मैं ये वाला ब्रह्मांड आपको प्रदान कर रहा हूँ, जबकि आप सब ब्रह्मांड के भगवान हैं, आप मालिक हैं, आपसे अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने वृंदावन वासियों के हृदय में अपार प्रेम देखा कृष्ण के लिए, इसलिए वो अपनी करतूत पर गिल्टी फील कर रहे हैं और शर्मिंदा है। वो वहां रहना चाहते हैं कृष्ण के निकट, बट इतने शर्मिंदा है कि अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे हैं, और कहते हैं मुझे विदा दीजिए ताकि आप अपने मित्रों के साथ आनंद ले सके, आनंद से भोजन कर सके। इसके पहले ही ब्रह्मा जी प्रार्थना कर चुके थे कि वो चाहते हैं कि उन्हें भी वृंदावन में वास मिले, उन्हें यहाँ की गौ लता पता घास का जन्म मिले, ताकि इस रज की रज उन पर हमेशा पड़ती रहे। तो यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना कर चुके हैं कृष्ण भगवान से कि मुझे आप लता पता और घास बना दीजिए इस
वृंदावन धाम में, ताकि ये जो ग्वाल बाल और गोपियां यहाँ से चलते फिरते रहे, तो इनके चरणों में जो ब्रज रज है वो जो हमारे ऊपर पोछेगी गिरेगी, तो उससे मेरा भाग्य में श्रेष्ठ हो जाऊंगा। यहाँ की ब्रह्मा जी भी ब्रज में वास के आतुर है, लेकिन ना कृष्ण कुछ नहीं बोलते। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए जा रहे हैं, पर कान्हा जी जो है वो एकदम चुप है, बोलते नहीं कुछ। तो कृष्ण ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, तो ब्रह्मा जी आप ये दरखास्त, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। कृष्ण एकदम चुप है, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी है, समझ जाते हैं कि कृष्ण नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं। तो ब्रह्मा जी ये भी कह चुके थे कि कृष्ण को, हे कृष्ण मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं भी आपके एक गोप जन्म बना गोप जन्म में से एक बनना चाहता हूँ। देखकर ब्रह्मा को फिर समझ आता है कि कृष्ण नहीं चाहते कि वो यहाँ रुके, इसलिए फिर वो विनम्रता पूर्वक उनसे जाने की आज्ञा मांगते हैं। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव फुल ऑफ ऑपुलेंस। तो लक्ष्मी जी जो है वो भी भगवान कृष्ण से अट्रैक्टेड हो गई, जबकि वो सबसे बड़ी सती है, वो विष्णु को छोड़कर कहीं नहीं जाती, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी जो है वो कृष्ण भगवान से आकर्षित हो गई है, कृष्ण की दासी बनना चाहती है लक्ष्मी जी, बट लक्ष्मी जी डायरेक्टली कृष्ण को पाना चाहती है, वो किसी भक्त के अनुगत्य नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि कृष्ण उनको डायरेक्टली मिल जाए। तो इस तरह कृष्ण के अंदर जाने के लिए जो है ना, तो वो हमें ब्रजवासियों के थ्रू जाना होता है, ब्रज भक्तों के थ्रू जाना होता है, लेकिन लक्ष्मी जी जो चाहती है वो ब्रजवासियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार करना चाहती है, और इसी कमी के कारण वो आज तक ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाए, वो कभी ब्रज रज की अधिकारी नहीं बन पाए। आज भी वो बैठकर तपस्या कर रही है, लेकिन उन्हें ब्रज मंडल में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वो ब्रजवासियों को नहीं स्वीकार कर रही। इतना व्रत कर रही है, इतनी आराधना कर रही है, अब तक कर रही है, बस शी कैन नॉट गेट कृष्ण। इसी तरह ब्रह्मा भी बोलते हैं कि आप परम सुंदर हैं, आपको निरंतर देखने की अभिलाषा है मेरी, बट अभी मुझे विदा कीजिए और आज्ञा दीजिए। फिर भी देखते हैं कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। फिर वो अपने हाथ में दही चावल के कवल लिए ऐसे खड़े हैं, 5 साल के बालक के रूप में। तो ब्रह्मा जी को देखकर, कृष्ण भगवान को देखकर ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसे सोच रहे हैं कि कब ये ब्रह्मा यहाँ से निकले और मैं अपने सखाओं के पिछलाऊ। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को देखकर। तो इसी कारण सारा ध्यान सांप तरफ है और ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं उस पर उनका ध्यान है ही नहीं कुछ का, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना समय बीत गया, उनके सखाओं ने भी अभी तक कुछ खाया नहीं है। जब से कृष्ण गौओं को ढूंढने गए निकले थे, 1 साल बीत गया, सब ऐसे ही बैठे हैं कृष्ण के इंतजार में, उन्हें नहीं पता कि 1 साल बीत गया है। तब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं और कृष्ण को 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से बछड़ों को प्रकट करते हैं। तब कृष्ण ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगते हैं, क्यों? कृष्ण बस छोटे से 5 साल के अबोध बालक बने हैं, तो वो अपनी लीला ही कर रहे हैं। वो ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगते हैं कि मैं इन गौ इन बच्चों को ले जाऊं अपने साथ, ऐसा बोलते हैं कृष्ण ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हाँ हाँ आप इन बच्चों को ले जाइए प्रभु, ये आपके ही तो हैं। और फिर भगवान सारे बछड़ों को लेकर उसी जगह पर यमुना के पुलीत पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके सखा भोजन करने बैठे थे 1 साल पहले, और अब तक बैठे हैं। वो भोजन भी ताजा था और वो सब कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योग माया के कारण बच्चे ये सोच रहे हैं कि आधा श्रेणी बीता है, जबकि पूरा 1 साल हो गया है। वो बच्चे जब कृष्ण उनको ढूंढने को जाते हैं, तो वो उनकी तरफ ऐसे ही स्तब्ध हो जाते हैं, योग माया उन्हें वहीं पे रोक लेती है, और वो उनको पता ही नहीं चलता कि 1 साल हो गया है कृष्ण को जाकर। उचुश्च श्रुविधा कृष्णम स्वागतम ते अति रमहसा,
नायको अपि अभोजी कवल एहि ताक साधु भोज्यता। जब भगवान को देखते हैं ये ग्वाल बाल तो कहते हैं वेलकम सुवीरा स्वागतम, तथा तुम इतने जल्दी लौट आए, हमें तो लगा था तुम्हें बहुत देर लग जाएगी बछड़ों को ढूंढने में, पर तुम तो आधे क्षण में ही लौट आए। आपके जाने के बाद हमने एक कवल भी खाना नहीं खाया, देखो हम बस ऐसे ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भोजन गया ही नहीं। तो भगवान की योग माया से सबको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, यहाँ तक कि हम ही भगवान की माया के कारण सब कुछ भूल चुके हैं, पता नहीं कितने जन्मों से भूल गए हैं। हम कहाँ है, हम देह बुद्धि में हम इसी संसार को अपना मान रहे हैं, जबकि हम कृष्ण से बिछड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, कृष्ण के पास जाना है, लेकिन हमने भी बहुत हजार साल यहाँ पर जन्म लेने में लगा दिए, पता नहीं कितने कितने जन्म लगा लिए हैं, और हमें जरा भी याद नहीं है कृष्ण का। तो इस संसार में क्या है, पांच तरह का क्लेश है, पांच तरह का अविद्या है। जैसे पांच क्लेश क्या है, अविद्या इग्नोरेंस, अस्मिता इगोइज्म, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी हेट्रेड, और अभिनिद्वेषा क्लेश यानी डर। ये पांच हमारे दुखों का कारण है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, इस संसार में। जैसे कोई व्यक्ति घोर निद्रा में सोता है और वो इस संसार की हर बात और रिश्ते को भूल जाते हैं, जैसे हम सपना देख रात को सोते हैं और सपना देखने लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है और हमें लगता है कि ये सब सत्य है। इसी तरह जब हम इस संसार में होते हैं तो हमें लगता है कि ये संसार सच है और यहाँ पे होने वाली हर चीज सत्य है, पर ऐसा नहीं होता, ये भी एक सपने की समान है। इस प्राकृतिक जगत में सब माया मोहित है, हम कृष्ण को भूल गए हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है हम अंधकार में है। जब कृष्ण को जान लेते हैं तब हम सब कुछ जान लेते हैं, कृष्ण को जानने बिना हम खुद को भी नहीं जान पाएंगे। तो इसी तरह बच्चे भी भूल गए हैं और एक साल को हाफ सेकंड समझ रहे हैं, उनको लग रहा है बस आधा क्षण ही बीता है, समझ रहे हैं। इसी तरह हम भी अनादि काल से कृष्ण को भुलाए हुए हैं और ये समझ तक भी नहीं पा रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म, मतलब हम क्या, हमें क्या ज्यादा से ज्यादा हम क्या समझते कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हमारी बुद्धि ऐसे ही चलती है, हम कृष्ण को नहीं ढूंढते, हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। तो शीला प्रभुपाद इस बात पर कहते थे कि ये जो माया की जबरदस्त पकड़ है, जो सबसे माया का जो सबसे बड़ा ये होता है वो ये होता है कि जब हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और हम कहते हैं कि हम ही भगवान हैं और ये सारी जीवात्माएं भी भगवान हैं, तो ये माया का सबसे जबरदस्त पकड़ होता है। हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं बट ये नहीं जानते हैं कि हम बस कृष्ण के दास हैं और कोई हमारी यही हमारी रियल आइडेंटिटी। शीला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग, मतलब वर्ड्स बस यहाँ से वहां हो गए, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। सो वी हैव टू मेक कृष्णा हैप्पी, बस यही हमारा गोल होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव क्या है, जीव क्या क्या नहीं भूलता, ये तो एक साल को बस हाफ मोमेंट समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, देखिए कि ये बच्चे एक साल बीत गया और इन्हें लग रहा है कि भगवान अभी गए और अभी तुरंत आ गए। तो जीव क्या नहीं भूल जाता, माया के कारण हम सब कुछ भूल बैठे हैं, बहुत बहुत जन्मों से कृष्ण को भूल बैठे हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, वैदिक ग्रंथों को पका हुआ फल का, श्रीमद् भागवतम जो है वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है, इसको पढ़ने के बाद कुछ और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। माया मोहित जीव को भगवान की याद नहीं आती, इसलिए भगवान ने वेद पुराण और ग्रंथों की रचना की है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ने से नहीं समझ सकते तो उन्हें बारंबार सुनना चाहिए, और जो सुनने से भी नहीं समझ पाए तो एटलीस्ट उन्हें महामंत्र की चैंटिंग जरूर करनी चाहिए और भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। वेद रूपी जो वृक्ष का गलितम फल है ऊपर से नीचे आया है, यानी सीधे वो भगवान जी के पास से हमारे पास आया, और ये फल क्या है, श्रीमद् भागवतम। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि
ये बहुत रस से भरा हुआ फल है और इसको लगातार पीते रहना चाहिए, मतलब श्रीमद् भागवतम पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसको ये जो फल है इसमें ना बीज है ना गुठली है, बस रस ही रस से भरा हुआ फल है, ये गलितम फल है, हमेशा पियो। श्रीमद् भागवतम को हमेशा ही पढ़ना चाहिए, पीना चाहिए, यानी इस फल को पीना चाहिए। परम आसक्ति से पढ़ना और सुनना चाहिए, बहुत दिल से बहुत मन से इसको पढ़ना और सुनना चाहिए। पीबत भागवतम रस में, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। जितना पी सकते हो पियो, सुनने से पहले पीने के लिए कहा गया है। कुछ भक्तों को का कहना है कि श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक में जितना रस है उतना और किसी में नहीं है। ये भक्तों का अनुभव शास्त्रों से कहा गया, ये भक्तों का रियल अनुभव है। वो कहते हैं कि इसका जो भागवतम का जो एक एक श्लोक है उसमें जितना रस है उतना और कहीं और किसी वेद और किसी ग्रंथ में नहीं। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा? हम जब तक कृष्ण को नहीं जानेंगे हमें उनसे कैसे प्रेम होगा? इसलिए श्रीमद् भागवतम को बार बार श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, उसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में कहा है, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना रे जानना, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवेरा हया ज्ञाना। भूला हुआ जो बद आत्मा है, कृष्ण द्वारा वैदिक साहित्य और जो हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, हमारे गुरु महाराज और परमात्मा, जो हमारे गुरु महाराज और परमात्मा के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, तो हमें उनके माध्यम से कृष्ण के बारे में सुनना और जानना चाहिए। तो इस तरह जब हम गुरु की शरण लेते हैं तब हम जान पाते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वही हमारे स्वामी हैं और हमें माया से मोहित होने से बचा सकते हैं, माया से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम असली ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति पा सकते हैं। कृष्ण हमारे दाता हैं और हमारे रक्षक हैं, जगन्नाथ है, पालक है, पोषक है। तो ये हम पढ़ने और सुनने से ही जान पाएंगे। भगवान को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। अगर हम कृष्ण को नहीं जानेंगे तो उनसे प्रेम कैसे होगा? तो बच्चों ने कहा कि आओ भोजन कर लो, तो ये बच्चे जो ग्वाल बाल सखाए हैं वो ऋषिकेश को कहते हैं कि आओ अब हमारे साथ भोजन कर लो, तुम तो अच्छा हुआ तो जो तुम इतने जल्दी वापस आ गए। तो ऋषिकेश हंसने लगते हैं, वो जो सब सेंसेस के मास्टर है, ऋषिकेश यानी कृष्ण जो सब हमारे इंद्रियों के मालिक है, मास्टर है, वो जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि एक साल बीत गया और इन बच्चों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो बोले कि आधे क्षण में ही तुम आ गए, आपको जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा गौ बच्चों को ढूंढने के लिए। तो ये बाल वाले ऐसे सोच रहे हैं कि कृष्ण को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, बस अभी गए और इन्हें बछड़े तुरंत ही मिल गए। फिर सारे क्या करते हैं, भोजन करने लगते हैं। हंसते हुए कृष्ण उन्हें साथ में खूब अच्छे से खाना खाते समय तो कृष्ण हमें यहाँ क्या सिखा रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं कि जब भी हम भोजन करें तो प्रसन्न स्वभाव से खाना खाना चाहिए, कभी कभी भी दुखी और क्रोधित होकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे पास वही भोजन आता है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है, जो लिखा है हमें वैसा ही भोजन मिलता है, चाहे वो ठंडा हो या हमारे मन का ना हो, तो जो लिखा है बस वही आएगा हमारे पास। तो बोलते हैं कि देखो ये बंदर कितना सहनशील है, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ मस्ती कर रहे हैं, बोलते हैं देखो देखो ये बंदर कैसा है, कितना सहनशील होकर बैठा है बेचारा। फिर मनुमंगल को बोलते हैं कि देखो मैं, मतलब कि वो हंसी मजाक कर रहे हैं कि बंदर कितना सहनशील है, ये हमारे पत्थर से भोजन लेकर भी नहीं खा रहा है बेचारा, चुपचाप बैठा है। तो सारे सखा जो उससे हंसने लगते हैं। फिर मधुमंगल बोलता है कि कृष्ण मैं ब्राह्मण हूँ, तुमने अपना झूठा मेरे पत्थर में क्यों रख दिया, तुमने क्यों डाला, अब मुझे जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते हैं जाओ जाओ जाकर स्नान कर लो, तो मैं तो ऐसा बार बार करूंगा, मैं देखता हूँ तुम कितनी बार जाकर स्नान करते हो। फिर इस तरह कृष्ण अपने सखाओं को के साथ मस्ती करते, जबकि मधुमंगल खुद चाहता है कि कृष्ण अपना झूठा उसे खिलाए।
फिर किसी शाखा के पत्तल में अपना भोजन डाल देते हैं, और जब उसका ध्यान दूसरी तरफ खींच लेते हैं तो उसके भोजन का, उसके पत्तल का, किसी दूसरे के पत्तल का खाना खुद उठा के खा लेते हैं, गायब पत्तल। तो जैसे बच्चे मस्ती करते हैं वैसे वो अपने सखाओं के साथ मस्ती कर रहे हैं। फिर ऐसे भी लिखा गया है कि कोई सखा घर से लड्डू लाता है और क्या सबको कहता है कि देखो ऐसा स्वादिष्ट लड्डू कभी किसी ने नहीं खाया होगा, लेकिन मैं किसी को के साथ इसको शेयर नहीं करूंगा। और सीधा वो अपने उठा के मुंह में डाल लेता है झट से। लेकिन जैसे ही वो अपने मुंह में खाली लड्डू रखता है, कृष्ण क्या करते हैं, उस दोनों हाथ से उसका मुंह पकड़ लेते हैं और अपने मुंह में उसके मुंह से अपना लड्डू ले लेते हैं। तो ये सब कृष्ण कर रहे हैं, ये हमारे कृष्ण है। फिर सब बोलते हैं कि सुबह से घर से निकले हैं, फिर अजगर के मुख में हम समा गए थे, चलो अब घर चलते हैं, थक गए हम सारे। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ चलो, और बोलते हैं चलो हम जाकर देखते हैं उस अजगर की चमड़ी को देखते हैं, चलो वहां वहीं से चलेंगे घर। तो कृष्ण ऐसा क्यों बोलते हैं, ताकि वो घर जाकर इसकी चर्चा करें कि अब सब बच्चे और बच्चे और कृष्ण ब्रज धाम में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण मोर पंख धारण किए हुए हैं, फूलों की माला और पता नहीं अपनी पगड़ी में कितने सारे होते हैं, और बच्चों ने उन्हें खूब सजाया भी है, जो मिनरल्स जो ब्रज की जो रज में अलग अलग रंग के मिनरल्स मिलते हैं उससे रंगों से भगवान के चेहरे पर खूब सारा डिजाइन बनाया हुआ है। तो सारे ही बच्चों के पास, किसी के पास वेणु है, कुछ अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र है, वो सब ऊंचे स्वर में उसको बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और पत्ते का बाजा बनाकर, एक पीपल का पत्ता होता है उससे भी बाजा बनाया कर, उससे वो भी उसको भी फूको तो वो बजता है। तो सभी बाजा बजा रहे हैं और सुंदर ध्वनि है, संगीत है, और इस तरह वो गाजा गाजे बाजे के साथ प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में, और बछड़ों को ही करके बुला रहे हैं ताकि वो फिर ना खो जाए। और सखा जन कृष्ण की आगर सुर की जो वध की कीर्ति है उसको गा गा के बोले। ब्रज के जो ग्वाल वाले उनमें एक अलग ही एक टैलेंट है कि वो तुरंत से इसको गाना बना लेते हैं, गीत बना लेते हैं, और फिर ब्रज में ऐसा ही होता है कि वो गा गा कर बताते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो वो भगवान का कृष्ण ने मार दिया अगस्त्य को, तो इसका गीत और इसकी कीर्ति गान करते हुए ब्रज में प्रवेश करे। और जो गोपियां हैं वो कृष्ण को देखकर प्रफुल्लित हो रही है, क्योंकि वो दिन भर कृष्ण के विराह में बिकल रहती है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण को दिन भर नहीं देखती है तो वो उनको विराह होता है कृष्ण का। लेकिन जब शाम को सांझ को कृष्ण लौट कर आते हैं तो उनके लिए ये उत्सव की तरह होता है, उनकी आंखों के लिए ये ट्रीट की तरह होता है। तो इस समय की लीला को बोलते हैं सांझी लीला या आवनी लीला, यानी कृष्ण आ रहे हैं तो इस लीला का भी एक अलग नाम है, सांझी लीला या आवनी लीला, शाम की लीला होती है। तो इसी तरह एक लस खान नाम के जो एक डिवोटी हुए हैं कृष्ण भगवान के जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस आवनी लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि गोपीजन जो गोपियां हैं वो अटारी अटारी यानी टेरेस पर खड़े दौड़ के जाकर खड़े होकर कृष्ण के आने के इस लीला का वर्णन करती है और एक दूसरे को बताती है कि कृष्ण कैसे लग रहे हैं। तो अब कृष्ण अपने घर आ गए अपनी मैया के पास, और बाकी के जो गोप बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के पास पहुंच गए, असली वाले गोप बाल बाल। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, एक साल बीत चुका है, लेकिन वो अब जाकर बता रहे कि देखो आज कृष्ण ने वन में कैसे अगासुर का वध किया, और बोलते हैं देखो हम सब तो उसके मुंह में समा गए थे। फिर दूसरा उसे रोकता है कि नहीं हम समा नहीं गए थे, हमने तो उसको एक गुफा समझकर उसमें खुद ही हम अंदर चले गए थे। तो इस तरह वो कृष्ण की जो ये लीला है ये कीर्ति है इसका गान करते हैं अपने माता पिता के पास। तो एक साल तक ये बच्चे भोजन की स्थली पर ही बैठे रहे थे, और अब आज जाकर वो अपने अपने घर पहुंचे हैं। ये लास्ट श्लोक है ब्रह्मा के प्रेयर्स का। एवं विहारा कौमारे कौमारम जहां तूर ब्रजे नीला यानी सेतु बंधे मरकतो लवनादि भी। तो इस प्रकार बालकों ने वृंदावन में खूब खेल खेला कृष्ण के साथ, छुपन छुपाई बंदरों में, जैसे बंदरों का खेल, लंका पर सेतु बनाना, कभी बंदरों की तरह कूदते, और ऐसे ही खेल खेलते
अपने बचपन को बिता रहे थे ये ग्वालपाल। भगवान कृष्ण ये कि ये कौमार लीला ब्रज में ही करते हैं और कहीं नहीं करते। भगवान का जो ये बचपन का लीला है, जो 5 साल तक की एज को बोला जाता है कौमार, तो ये जो लीला है ये भगवान सिर्फ अपने ब्रज में ही करते हैं, कभी ब्रज के बाहर नहीं की जाती। बच्चे क्या खेलते हैं? लुका छुपी का खेल खेलते हैं, आंख मिचूनी का खेल खेलते हैं। इसी को बोला गया है लीला या नहीं। तो वो सेतु बांधते हैं, सेतु बंधेर। तो इस तरह वो भगवान राम जी की जो कथाएं गांव में सुनते हैं, लीला को सुना है, उसी को वो अपने पूरे सारे दिन खेल में, उसी पर वो अपनी खेल खेलते हैं। लीला पर जो भी सरोवर छोटा सा लेक होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एक लॉग एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, फिर उस पर राम राम लिखते हैं और फिर उस पर चल के जाते हैं और सीता मैया को बचा कर ले आते हैं। तो ये मतलब ये कितनी अच्छी लाइफ है कि हम बचपन से ही बच्चों को सिर्फ कृष्ण लीला को ही खेल रहे हैं, इस तरह उनके जीवन में कितना आनंद है। अगर हम भी हमारे बच्चों को ऐसे ही बचपन दे पाए जिसमें कृष्ण हो और सारे कृष्ण की लीला का कथाओं पर ही उनके खेल आधारित हो, तो उनकी पूरी लाइफ कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगी। तो इस तरह इन बाल बालों ने अपना बचपन बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्ण के साथ और कृष्ण की लीला में ही बिताया। तो वी कम टू एंड ऑफ प्रेयर्स टू ब्रह्मा, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। सो एनी डाउट इन यू कैन आस्क, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। शैल वी एंड? हरे कृष्णा।